गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल हमने एक्शन वन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ी थी। हमने देखा था कि एक्शन वन रिएक्शन हमारी कैसे प्रोसीड होती है। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ एक्शन वन रिएक्शन डिपेंड। आज हम देखेंगे कि एक्शन वन रिएक्शन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच एसएन वन रिएक्शन डिपेंड्स। तो फर्स्ट था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, सेकंड था अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, और थर्ड था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। तो कल हमने एसएन वन रिएक्शन की मैकेनिज्म में देखा था कि अगर एसएन वन रिएक्शन है तो उसमें क्या होती है, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। ठीक है, जो कार्बोकटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसमें एसएन वन रिएक्शन होगी। जैसे अगर हम बात करें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल में, तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल, तो ये एसएन वन रिएक्शन ज़्यादा देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल ग्रुप। ओके, सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो, लेकिन उसमें बीटा कार्बन क्या होना चाहिए, टर्शरी या क्वार्टरनरी, वो भी हमें क्या देगा, एसएन वन रिएक्शन। देखो कैसे, जैसे मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिया बेटा, मैंने कहा CH2X, CH3, CH3, CH3। ओके, ये कार्बन जिसके ऊपर हैलोजन होगा वो अल्फा और ये बीटा, तो इसकी बीटा कार्बन पे कैसी बेटा, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी है, तो ये क्या देगा हमें, एसएन वन रिएक्शन। क्या देगी ये, एसएन वन रिएक्शन। देखो बेटा मैंने कहा आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर ये सेकेंडरी है जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसी है, सेकेंडरी है, यस और नो, क्योंकि दो कार्बन से जुड़ी है, लेकिन इसकी बीटा कार्बन क्या है, क्वार्टरनरी, क्या है, क्वार्टरनरी, तो ये भी हमें क्या देगा, एसएन वन रिएक्शन देगा। क्या देगा, एसएन वन रिएक्शन। ओके, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। मैंने कहा सबस्ट्रेट कंटेनिंग, सबस्ट्रेट कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, सबस्ट्रेट कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप एट बीटा कार्बन, जो सबस्ट्रेट है अगर उसके बीटा कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है तो वो हमें एसएन वन रिएक्शन नहीं देगा। मैंने कहा सबस्ट्रेट कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप एट बीटा कार्बन, एट बीटा कार्बन डज नॉट गिव एसएन वन रिएक्शन, बिकॉज जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप डीस्टेबिलाइज द कार्बोकटायन, डीस्टेबिलाइज द कार्बोकटायन, कार्बोनिल ग्रुप उस कार्बोकटाइन को क्या करेगा, डिस्टेबिलाइज करेगा। देखो कैसे, जैसे मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिया, मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl। अब ये जिस कार्बन पे हैलोजन है वो अल्फा, ये बीटा, बीटा कार्बन पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इट डज नॉट गिव अस एसएन वन रिएक्शन, ये हमें एसएन वन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, और सेकंड फैक्टर क्या था बेटा, अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड था अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, द सॉल्वेंट विच इजीली गिव्स प्रोटॉन, तो वो क्या होंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो हमें क्या देंगे, एसएन वन, क्यों, क्या देंगे बेटा, एसएन वन, क्योंकि ये जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे लाइक वाटर,
एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये क्या करते हैं बेटा, ये सॉल्वेंट स्टेबिलाइज करेंगे कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट को, और कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट को स्टेबिलाइज करेंगे इट मींस ये कार्बोकटाइन स्टेबल तो एस एन वन रिएक्शन ज्यादा होगी। थर्ड हम पढ़ेंगे बेटा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और जो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप होगा इसका इफेक्ट एस एन वन और एस एन टू दोनों में सिमिलर होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप इज सेम फॉर बोथ एस एन वन एंड एस एन टू, एस एन वन और एस एन टू दोनों में सेम होगा। क्यों क्यों सेम होगा बेटा, बिकॉज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप गिव्स वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट बेस। ओके बेटा, तो देखो बेटा अगर मैं तुम्हें कहूं आर आई आर बी आर आर सी एल आर एफ, मैं तुमसे कहूं एस एन वन या एस एन टू किस में ज्यादा होगी, तो बेटा एस एन वन और एस एन टू का लिविंग ग्रुप में इफेक्ट सिमिलर होगा, तो किसके अंदर ज्यादा होगी बेटा, आयोडाइड के अंदर, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। तो एल्काइल हैलाइड में यही ऑर्डर रहेगा चाहे वो एस एन वन हो या एस एन टू। ओके, तो मैंने तुम्हें एस एन वन कंप्लीट हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग एस एन वन हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म के बारे में, क्या थी वो, बाईमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहां देखो बेटा इसको हम लिखते हैं एस एन टू, एस एन टू, एस मीन्स बेटा सब्स्टिट्यूशन, एस मीन्स सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, टू मीन्स बाईमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर, ठीक है। अब यहां देखो बेटा दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन completes in single step, single step में ही complete हो जाएगी, this reaction completes in single step, but order of the reaction, order of the reaction is two, order क्या रहेगा इसका, two रहेगा। देखो अब आगे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन, देन वी डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म या स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही पूरी होगी बेटा, देखो जैसे मैंने कहा हमारे पास है एल्काइल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई, एंड दिस रिएक्शन विल कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। तो यहाँ बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक ही स्टेप में हो रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। देखो यहां से ये लिविंग ग्रुप जाएगा, ये इनकमिंग ग्रुप अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो धीरे धीरे ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और यहां से ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट, एंड दिस इंटरमीडिएट कैसा है, ये अनस्टेबल, तो ये डीकम्पोज करके हमें क्या देगा, प्रोडक्ट, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल CH3+Br। ओके, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, जस्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा,
SN2 में होगा इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्या होगा इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जिस साइड से लिविंग ग्रुप जाएगा अपकमिंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, किसके अंदर SN2 रिएक्शन में, किसके अंदर SN2 रिएक्शन के अंदर। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा दिस रिएक्शन विल कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, ये रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई। अब यहां से हम इसका लिखेंगे रेट ला एक्सप्रेशन। तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, यस और नो। तो यहां से हमारा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आया टू, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया टू आ गया। तो अब हमें यहां से ये पता चल गया इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट, एज वेल एज ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ओके बेटा, तो यहां देखो अब इसके अंदर क्या होती है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, अनस्टेबल बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है। अगर यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करें किसका, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ क्या था हमारे पास रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या था बेटा CH3Br प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हमारा एल्काइल हैलाइड एलिमिनेट हो गया, मींस ये हमारे पास क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया प्रोडक्ट। ओके अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करेंगे, की बात करेंगे ना बेटा मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूंगी तुम्हारे पास है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाई, तो यहां से मिला नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड। तो इससे मैकेनिज्म समझाओ, तो सबसे पहले तुम नॉर्मल ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, CH3, CH2, CH2, CH2Br। तो यहाँ देखो बेटा इस कार्बन को लोगे, ये कार्बन है, इसके ऊपर बेटा चार, ये कितने बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा, दो तो इसी के प्लेन में होंगे, एक अबाउ द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो जो बिगर ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। देखो कार्बन कितने, एक दो तीन कार्बन, C3H3 2 5 और 7। यहाँ पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है हमारा ब्रोमीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, और यहाँ पे हमने अटैक करवाया K+CN- साइनाइड आयन का, तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप जाएगा, और SN2 में अपकमिंग ग्रुप कहाँ से अटैक करता है बेटा, बैक साइड से। तो यहां से हमें क्या मिलेगी, अनस्टेबल स्टेट मिलेगी, क्या मिलेगी अनस्टेबल, क्या आएगी देखो वो, ये H, ये ग्रुप धीरे धीरे जा रहा है, ये ग्रुप धीरे धीरे बन रहा है, क्या है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे CN, और ये क्या था बेटा C3H7,
ये हमारी अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है, अनस्टेबल है, थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये कार्बन C3H7, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ क्या आएगा बेटा, H ग्रुप, और ये H। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो इसके रिस्पेक्ट में, इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो इसके रिस्पेक्ट में, इस स्ट्रक्चर को यहाँ रखो, तो जिस साइड से ब्रोमीन गया है, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड से अटैक किया है, कहाँ से अटैक किया बेटा, अपोजिट साइड से। तो SN2 में क्या होगा, SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स, SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, क्या होगा यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन क्यों बोला बेटा, जिस साइड से लिविंग ग्रुप जाएगा, अपकमिंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड से अटैक किया, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैंने क्या कहा, पॉइंट देखो बेटा, मैंने कहा इफ एल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो बेटा SN1 में क्या हो रहा था, रेसमिक मिक्सचर बन रहा था, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। देखो इफ एल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव देन रिएक्शन कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, कंप्लीट क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि अगर स्टार्टिंग में अगर एल्काइल हैलाइड हमारा डेक्स्ट्रो था और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, SN2 रिएक्शन हुई, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लीवो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, लीवो प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। अब यहाँ देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फर्स्ट देखो बेटा, इफ आर इज डिफरेंट और एक्स क्या है, सेम, जैसे एक तो मैं तुम्हें दूं CH3X, एक मैं तुम्हें दूं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये मिथाइल है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक दूं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और एक दो बेटा मैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड, और मैं तुमसे कहूँ SN2 रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी, तो बेटा देखो जितना ज़्यादा ग्रुप बल्कि होगा, अपकमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। देखो मैंने क्या बताया, अगर ग्रुप बल्कि होगा, बल्किनेस की वजह से अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर SN2 रिएक्शन कम होगी। इट मीन्स ग्रुप जितना स्मॉल होगा उतने ज़्यादा SN2, तो सबसे ज़्यादा SN2 किस में होगी, मिथाइल में, फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में, और फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड में, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट देखो, अगर मैं तुम्हें कह दूँ, एक तुम्हारे पास RF है, RCl, RBr, RI, किसके अंदर SN2 रिएक्शन ज़्यादा होगी, तो हमें पता है जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उतना ज़्यादा वीक बेस होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगा उसकी रिएक्टिविटी होगी, किसमें, SN1 और SN2 में। पीछे भी बताया था मैंने SN1 में कि यहाँ से दोनों का ऑर्डर सेम आएगा, तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी बेटा, एल्काइल आयोडाइड की। बेटा याद रखना, ये ऑर्डर चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 हो, दोनों में क्या होगा, सिमिलर होगा। एल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 में भी और SN2 में भी। ओके, तो ये मैंने तुम्हें SN1 और SN2 के बारे में बताया, एक बार फिर से बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, और कल मैं इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखो बेटा, SN1 रिएक्शन थी,
तो SN1 रिएक्शन हमारी दो स्टेप में पूरी हो रही थी। पहले स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा था, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर रहा था, बैक साइड से भी, दो प्रोडक्ट बन रहे थे। तो अगर इसमें रिटेन, यहाँ देखो इस कॉन्फ़िगरेशन को उठाओ, इसके ऊपर रखो, सेम यही आई तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हुआ, इसमें उल्टी आई तो यहाँ क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। अगर ये सब्सटेंस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो यहाँ से हमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा और प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेसमाइजेशन। अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में बेटा हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया, 3D, ये दोनों बॉन्ड इन द सेम प्लेन, ये अबाउ द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, यहाँ से लिविंग ग्रुप गया तो अपकमिंग ग्रुप उसके हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ये हमें अनस्टेबल स्टेट मिली, कुछ देर के लिए रहेगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जो ग्रुप ब्रोमीन है जो यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखो तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ, इन्वर्जन, इससे जस्ट क्या हो गई है, रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन। तो हमें क्लियर हो गया कि SN1 में तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या होना है, रिटेंशन होना है, और SN2 में बेटा कॉन्फ़िगरेशन का क्या होना है, इन्वर्जन होना है। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, एक सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टरनरी है, अगर बेटा हम SN1 की बात करें तो SN1 में तो तुम क्या देख लोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, SN1 रिएक्शन। तो कार्बोकैटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, तो टर्शरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और SN2 में हम क्या देखेंगे, जितनी ज़्यादा बल्किनेस होगी उतना ही कम वो रिएक्टिव होगा, किसमें, SN2 में, यस और नो, क्योंकि SN2 में जिस साइड से हमारा एल्काइल, हमारा हैलाइड जाएगा उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो SN2 में कौन ज़्यादा होगा, मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अगर हम एल्काइल हैलाइड्स की बात करें, जैसे मैं तुम्हें कहूँ एल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो उसके अंदर बेटा चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में ही एल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 एज वेल एज SN2। थैंक यू बेटा।